क्या नाम प्रधान जी आपका? ओम प्रकाश। कहाँ के हैं? गुलड़िया के। प्रधान जी, अब तक कितने विकास कार्य करा दिए आपने? विकास कार्य 4-5 खरंजे डलवा दिए, 2 सीसी हो गई और 49 शौचालय बन गए, 71 में 49। बाकी पैसा अपने खाते में आया है, वो खाता ठीक हो जाएगा, इसके बाद में शौचालय के चेक काट के लाभार्थी को दे दीजिए। अच्छा, अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको कितने आवास मिल चुके हैं? हमारे यहाँ आवास बन गए लगभग 9। प्रधान जी, अभी लोगों ने ये कहा था कि हमारे पास आवास नहीं है, इसकी कोई सूची उची आपने डाली है? सूची नई सूची में 2011 की सर्वे में आवास बने थे और मतलब नई सूची हमने यहाँ से बना के भेजी है, वो 2 साल में आए, 5 साल में आए, इसका कोई पता नहीं। प्रधान जी, आप गांव की जनता से या देशवासियों से क्या कहना चाहेंगे? देशवासियों सब बढ़िया है, सब ठीक ठाक चल रहा है, सब मामला कोई दिक्कत नहीं है, सभी को कोई परेशानी नहीं है। क्या नाम है आपका प्रधान जी? जी, धर्मपाल से। आप प्रधान है? जी। अच्छा, कौन सा गांव है आपका? ग्राम पंचायत लखा है। लखा से। प्रधान जी, विकास के बारे में बताएंगे, क्या क्या विकास हुआ है? सर, खरंजे डलवाए, सीसी डलवाई है, पुलिया बनवाई है, शौचालय बनवाए हैं। कितने शौचालय बन गए प्रधान जी? हमारे 200 करीब बन गए। 200। प्रधान जी, एक आरोप है आपके गांव वासियों का कि आपने शौचालय पर 2000 लिए हैं, एक शौचालय भी आदेश सिद्ध कर दे। वैसे तो गांव में चलते ही है, पक्ष में पक्ष है, लेकिन अभी आपके भाई के सामने कह रहे थे, तो हमने कहा चलिए हम आपकी बात सुनते हैं, हम उनका शौचालय भी देख के आए। उन्होंने कहा भी था कि 2000 रुपए लिए। 2000 रुपए लिए। पोथीराम है, उन्होंने कहा 3000 रुपए लिए। कौन पोथीराम? अब्दुल्ला लिए, ऐसा कहा कि 3000 रुपए लिए। तो आवास अपने अपने आवास कितने? आवास हमारे 3 बने सर। 3 बन गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोई आवास बना? जी नहीं, नहीं बना। अच्छा, अपने यहाँ पर कोई बिजली समस्या? जी नहीं, बिल्कुल बिजली समस्या जो थी वो अभी अभी दूर हो गई, मीटर लग गए, तार की थोड़ी समस्या रह गई है, जो तार उतरने से मेन लीक लगनी है। प्रधान जी, अब तक इस कार्यकाल में आपने कितने लगभग काम करा दिया होगा? अब तक करा दिया करीब 5 खरंजे डलवा दी, 3 सीसी डलवा दी, 2 पुलिया बनवा दी जी। स्कूल में सारे गड्ढे थे भरे हुए, भरान डलवा दिया, एस्टीमेट बना हुआ है इसकी, करीब 10 या 15 दिन के अंदर बाउंड्री वाल हो जाएगी स्कूल की जी। प्रधान जी, अब तक जैसे ये भाजपा और सपा का जो गठबंधन, वो बसपा और सपा का जो गठबंधन हुआ है जी, जी, इस पे भाजपा पर क्या असर दिखाई दे रहा है? वैसे तो मैं समझता हूँ कि इससे नहीं पड़ेगा सर जी, कुछ भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी तो इन्होंने गठबंधन कर लिया, इसके बाद विधानसभा का चुनाव आएगा तब भी गठबंधन करेंगे, फिर अलग हो जाएंगे। तो हम तो समझते हैं जी, अभी अलग ही है तो सही है। अब उन्होंने कर लिया, वोट तो हम लोगों को डालना है जी। अभी जो कल 26 जनवरी हुई है जी, जी, अब आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो जगह रहे 26 जनवरी, जो देश हुआ आजाद है, सब लोगों ने कुर्बानी दे करी है, इस देश से सब लोग कार्य करें, सरकार भी करें, हम भी कोशिश करेंगे,